चना भिंगाए हम। तो गाइस जा रहे थे हम लोग चाय बनाने, देख रहे हैं लेकिन गैस खत्म हो गया। जो हम लोग का फट चुका है देख सकते हैं। तो चावल हम लोग का लगभग तैयार हो चुका है, चावल अचार खा रहे हैं हम, देख रहे हैं चारों लोग मिलके ये चावल। तो गाइस चिकन विकन फ्राई हो गया है और यहाँ प्याज भुज रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग का खाना जो है कि तैयार हो चुका है ऐसा। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जमशेद ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद आज डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, जो कि अभी फैक्ट्री में हम लोग सोए हुए हैं, हम हैं और हमारा चार फ्रेंड है, तीन फ्रेंड हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं फिलहाल, अभी सो के उठे हैं। और क्या क्या करते हैं फैक्ट्री में अभी वो नहीं दिखाएंगे, अभी जो रूम में हम लोग क्या क्या करते हैं एक्टिविटी वो दिखाते हैं आप लोग। सबसे पहले अभी चलते हैं ब्रश करते हैं, फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद क्या क्या बनाने वाले हैं वो दिखाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक दिखाएंगे। और आज फ्राइडे है, नमाज पढ़ने जाना है, वहाँ से भी दिखाएंगे। तो आई होप अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हाँ तो गाइस रूम का कुछ ऐसा हालत है यहाँ पे, देखिए फैक्ट्री पे। और ब्रश ले लिए हैं, अभी ब्रश को थोड़ा सा भिंगाते हैं यहाँ पर और उसके बाद ब्रश करते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग सोए हुए हैं, हम उठ गए हैं क्योंकि ब्लॉग बनाना था इसलिए। और मिस्टर जावेद उधर अभी है, मुंह धूल रहे हैं। और फैक्ट्री का जो है कि छत कुछ इस तरह दिख रहा है। और यहाँ एक टॉयलेट है जो कि काफ़ी महकता है, ऐसा लगता है कि पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट है, दो टॉयलेट है, महकता महकता है क्योंकि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग हैं, खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, इसकी वजह से पानी में डालते नहीं हैं। और यहाँ देख रहे हैं सनराइज़ अभी यहाँ पे निकल रहा है। अभी घुमा के हम आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ बवाना में पूरा फैक्ट्री ही फैक्ट्री है। तो गाइस फैक्ट्री के छत पर से ये ऐसा नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को। और ये भी है, और यहाँ देखिए समोसा चौक है ये, और फिलहाल वो दिख रहा है आपको वहाँ पे बिजली बनता है। और वो जो देख रहे हैं आप लोग कूड़ा का पहाड़ है, कभी वहाँ भी लग चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। बाकी लोग छत पे भी सोए हुए हैं, हम भी सोए हुए हैं फ्रेश व्रेश होने के बाद। अभी चाय बनाते हैं फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो वीडियो में बने रहें आप लोग। हाँ तो गाइस फ्रेश व्रेश हो चुके हैं और फिलहाल चलते हैं रूम में और दिखाते हैं क्या हो रहा है, कैसा रूम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूम बहुत सारा है, अभी जो है अपना रूम यहाँ पे बंद है फिलहाल, और खोलने के बाद चलते हैं अंदर। और ऐसा कुछ हालत है, चना भिंगाए हम लोग, चना वना खा लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग, दूध लिए हैं, चाय बनाएंगे। और यहाँ पे चाय किस में बनेगा, चाय के लिए तो ये बड़ा है, छोटा तो है नहीं फिलहाल, छोटा कहाँ है। बाकी लोग बाहर हैं, फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं। चना वना हम थोड़ा सा खा लेते हैं फिर छोड़ते हैं, आते हैं तो लोग खाएंगे। रूम में बैठ गए हैं फिलहाल, बैठ के खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत चाय और चना, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद नाश्ता बनेगा तो खाते हैं। तो गाइस जा रहे थे हम लोग चाय बनाने, देख रहे हैं लेकिन गैस ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या ये तो जल नहीं रहा है, इसको हमने ऑन किया है और कम से कम 3 लीटर रखता है और गैस ख़त्म हो चुका है। यहाँ से भी ऑन है लेकिन, यहाँ से भी ऑन है लेकिन गैस ख़त्म हो गया। अब बताइए हम लोग खाना कैसे बनाएं? गैस ख़त्म हो चुका है, फिलहाल चाय बनाने वाले थे, चाय तो बना ही नहीं, तो नाश्ता कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा। तो फिलहाल जावेद फ्रेश व्रेश होकर नहा धो के फिलहाल रेडी वेडी होके आ गए हैं, क्योंकि आज जुमा भी है तो उसी हिसाब से हम लोग निकलते हैं, बना बना के लंच में ही निकलेंगे जुमा पढ़ने के लिए, क्योंकि अब चलते हैं सिलेंडर भरवा लेते हैं उसके बाद ही बनेगा। अभी हम लोग चलते हैं जो कि सिलेंडर भरवाने के लिए, हम हैं यहाँ पे यासीन जावेद अब्दुल, सारे लोग फ्रेश होके बिल्कुल रेडी होके तैयार हैं, चना भी खा लिए हैं, चाय नहीं बना है क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, दूध का पैकेट रखा हुआ है ठंडा से गर्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर लेके बाहर, आइए चलते हैं दिखाते हैं, जो कि ये रहा सिलेंडर पुराना वाला यहाँ पर था। अब आप चप्पल पहनते हैं सारे लोग, आइए चलती है। और फिर उसके बाद अब हम लोग को बाहर का दिखाते हैं क्या क्या करने वाला है, क्या क्या होने वाला है।
फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं जो कि सिलेंडर भरवाने के लिए। अब चलते हैं क्योंकि एकदम रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने अभी रूम में हैं और फैक्ट्री भी सारा सबका बंद है। और यहाँ पर देख रहे हैं फोम वगैरह जो बनता है ये बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री है, लाख दो लाख फैक्ट्री है, काउंट नहीं कर सकते आप कितना है। अभी गैस हम लोग भरवाते हैं, फिर उसके बाद रूम पर ले कर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या करने वाले हैं। और ये है कि हम लोग दुकान पर आ रहे हैं और दुकान है हो गया बंद, यहाँ पे दुकानें बंद है, देखिए सामने। अब कहाँ भराएगा, अब हम लोग पूछते हैं किसी से, कोई आए। दूर दूर तक कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई किसी से हम लोग पूछे वहाँ पे हैं जो कि 100 मीटर दूर पे हैं लोग। तब चलते हैं उन लोग से पूछते हैं कि भाई सिलेंडर कहाँ भरा जाएगा, और उसके बाद भरवाते हैं फिर चल के। मुश्किल ही मुश्किल आता रहता है लाइफ में, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए खुद से उसको निर्णय लेना पड़ता है कि क्या करें और क्या नहीं। तो अभी एक चाचा जी से पूछे हैं हम लोग, तो बोले हैं कि उसके जस्ट पीछे एक दुकान है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग घूम फिर के। यहाँ से 100-200 मीटर दूर पे है, वहाँ चलते हैं और भरवाते हैं। फिर भराया जाएगा तो फिर चेहरे पे हम लोग को खुशी दिखेगा आप लोग को। और इधर चलते हैं हम लोग, इधर भराएगा। तो गाइस थोड़ा सा दूर है और पता करते हैं इधर कहाँ सिलेंडर भराता है, और जब भरा जाएगा तो हम लोग बात करते हैं। भाई सिलेंडर कहाँ भराएगा, इधर आगे दुकान पे मिल जाएगी। अच्छा, अभी भाई ने बताया कि इसी दुकान पे मिलेगा आगे, तो हम लोग चलते हैं और भरवाते हैं। वो जो ट्रक दिख रहा है वहीं पे भरा जाएगा, यही भाई भरा। तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे सिलेंडर मिला जो हम लोग भरवा लेते हैं यहाँ पे। अब भाई साहब का दुकान है, भाई साहब चाय वाय पी रहे हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद दुकान मिला है जो कि यहाँ पे सिलेंडर भरा जाएगा हम लोग को। भरने के बाद ले कर चलते हैं रूम पर, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो अभी दिल को सुकून मिला है कि दुकान मिल गया है जो कि सिलेंडर के लिए। और भाई सब जो है कि सिलेंडर वज़न करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भरेंगे। ये रहा 5 किलो 34 ग्राम। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो है कि छोटा वाला सिलेंडर भर चुका है। दुकान से भरवाने में टाइम लगा है, 20 मिनट से 25 मिनट लगा है, और भरवा गए हम लोग। फिर उसके बाद चलते हैं अब रूम पे। वो रहा सामने हम लोग का रूम जो कि छत पे सारे लोग अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं हम ऊपर, खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी कई बता लूँगी। हाँ तो गाइस अभी फ़िलहाल सारे लोग थक चुके हैं, यहाँ बैठे हुए हैं रोड के साइड में। अभी हम लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। फैक्ट्री का गेट बंद है, अभी ऊपर चाचा हैं जो कि अभी खोलने के लिए एक बंदे को भेजे हैं। अभी हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम 1 मिनट हो गया अभी खुला नहीं गेट, अभी खुलता है तो चलते हैं ऊपर। क्या हाल चाल है भाई, प्लेट वेट लगाऊं क्या यहाँ पे? नहीं। फैक्ट्री का गेट खोल लिए भाई, और हम लोग चलते हैं ऊपर। फाइनली सिलेंडर आ गया, लग चुका है, यहाँ पर पानी रख के अब दूध जो है दूध को डाल लेते हैं। उसके बाद और ये क्या, दूध जो हम लोग का फट चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब क्या किया जाए, चाय कैसे बनेगा, हर जगह परेशानी। ये क्या हुआ बताइए, अब चलिए इसको फेंकते हैं, अब उसके बाद खाना बनाते हैं। तो भाई चाय में दूध डाले थे, मतलब पानी में दूध डाले, दूध फट गया, गैस ख़त्म हो गया, पंखा बंद हो गया, धूप आ गया, और लोग बैठे हुए हैं। मतलब मुश्किल पर मुश्किल है, ड्यूटी करने जाना है, नहा धो लिए हैं, गर्मी लग रहा है, क्योंकि गर्मी इसलिए लग रहा है कि पंखा बंद हो गया, पंखा इसलिए बंद हो गया कि गैस जो है उड़ रहा है। अभी हम लोग चावल रखे हुए हैं, चावल लग दिए हैं, चावल बन रहा है,
फिर उसके बाद हम लोग दाल डालते हैं, चावल दाल बनेगा, उसके बाद बनता है तो खा पी के चलते हैं ड्यूटी, फिर आते हैं उसके बाद दोपहर में, देखते हैं क्या होता है। कुकर यहाँ पे आ चुका है, नया नया कुकर है। गाइस काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, 8:30 हो चुका है, अभी चावल नहीं बना है, दाल भी नहीं बना है और ड्यूटी जाना है 9 बजे, और देखते हैं 30 मिनट में हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे अभी सिर्फ दाल और चावल, चावल तो चढ़ा दिए हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर गैस पे, हाँ सिलेंडर तो ये है, गैस चूल्हा पे चढ़ गया है, और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हवा चला रहे हैं, देखते हैं हो जाता है, खाते ही चलते हैं। ये जो लगा हुआ है गैस उड़े ना हिले ना, इसके वजह से, क्योंकि जल रहा है तो हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चावल हम लोग का लगभग तैयार हो चुका है, समय अभी हम लोग के पास बचा हुआ है जो कि 25 मिनट, 25 मिनट के अंदर दाल बन जाएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म होने की वजह से हम लोग को आज लेट हो गया है। तो गाइस टाइम हो चुका है, दाल तो हम लोग का बना ही नहीं और बस चावल है, और हम लोग चावल अचार खा रहे हैं, देख रहे हैं चारों लोग मिल के, यह चावल रहा या अचार रहा, क्योंकि दाल बना ही नहीं, चावल रहा, चावल अचार खा रहे हैं हम लोग, और टाइम भी हो चुका है काफ़ी, 9:05, 5 मिनट बचा है, चलते हैं नीचे, फिर उसके बाद आते दिखाते हैं आप लोग क्या हो रहा है। तो गाइस खा पी लिए हैं हम लोग, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि वक्त हो चुका है, टाइम भी हो चुका है, 5 मिनट से समय है, और नीचे तब ब्लॉग बनेगा नहीं, वहाँ पे अलाउड नहीं है, बस यहीं तक, और फिर मिलते हैं आपको 12:30-1 बजे। तो गाइस खाना वाना हम लोग खा चुके हैं, यहाँ पे है कुकर और जो है भगोना खाली हो गया है, अब हम लोग बना के तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से नमाज़ पढ़ने, क्योंकि उससे 10 मिनट समय है और जाना भी है लंबा, 1 किलोमीटर दूर आते हैं, तो फिर उसके बाद शाम को मुलाकात होगा, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो गाइस अभी हम लोग रूम से निकल गए हैं बाहर, और उसके बाद चारों लोग चल रहे हैं, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है इसके पीछे है मस्जिद, और जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं सारे लोग, क्योंकि वक्त भी है सिर्फ 7 मिनट, मात्र 7 मिनट, क्योंकि हम लोग को 1:30 बजे तक ही लंच होता है, उसके अंदर आना नहीं है, लेकिन 2 बजे तक टाइम मिला, 2 बजे के पहले आ जाना है, जल्दी जल्दी चलते हैं, रास्ता भी देख रहे हैं कितना गड़बड़ है, और यह कि यहाँ पर हाईवे बन रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद आ जाता है हम लोग का मस्जिद, फिर चलते हैं, फिर आते हैं तो दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नमाज पढ़ चुके हैं, जुमा का वक्त जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा कंपनी, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि वक्त जो था सही समय पर हम लोग पहुँच गए और टाइम मिल गया, नमाज़ पढ़ ली है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सब लोग, और हम लोग भी चल रहे हैं अपने अपने कंपनी, अपने अपने रूम पे, फिर दिखाते हैं, बने रहिए इसी तरह वीडियो में, नाइट में ड्यूटी ख़त्म होने के बाद क्या होता है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग को वहाँ जाना है उस वाले रास्ते पे, और उसके बाद चलते हैं कंपनी में अपने। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, और नीचे से अभी आए फैक्ट्री से, क्योंकि पानी जो है नीचे है मिलता पीने के लिए, और टॉयलेट ऊपर करने आना पड़ता है, सोचे कि हम आप लोग को बता देते हैं, और अभी 7:30 बजे छुट्टी होगा, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी गाइस हम लोग फैक्ट्री से बाहर आए हुए थे मार्केट में, जो कि चिकन लेने, चिकन तो हमने ले लिया है, और उसके बाद चलते हैं हम रूम पे, रूम पे उसके बाद चल के बनाते हैं हम, और फिर आप लोग को दिखाते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम दिल्ली में चिकन बनाने जा रहे हैं, कुछ गलती वलती होगा तो कमेंट करके बताइएगा भाई, देखिएगा कैसा बना है कैसा नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई, इतना तो हम बता रहे हैं आप लोग से, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अंधेरा है यहाँ पे तो उजाले में हम आ गए हैं। अभी मसाला वसाला जो है कि मिर्चा वर्चा प्याज उच कट चुका है, चिकन यहाँ धो धो के रख चुका है, अभी कढ़ाई में डालते हैं, उसके बाद बनेगा, तो फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो भाई चिकन विकन फ्राई हो गया है, और यहाँ प्याज भुज रहे हैं, और भाई साहब यहाँ आटा सान रहे हैं, अब उसके बाद इधर अपना चावल जो है कि तैयार हो चुका है, फिर उसके बाद क्या होता है हम आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अभी जो है कि रोटी बना रहे हैं, जो है कि हम बेलते हैं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है, दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ जो है कि यासिन भाई सेक रहे हैं, और सेक भी लिए हैं थोड़ा बहुत,
तो गाइस फाइनली हम लोग का खाना जो है कि तैयार हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक बना हुआ है। अभी टेस्ट किए नहीं, अभी करते हैं हम लोग, तो फिर बताते हैं कैसा है। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें, आप शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बस करें बस करें। तो गाइस फाइनली अच्छा लग रहा है, तो गाइस अच्छा लग रहा है खा पी के। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सब लोग को बढ़िया लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम चिकन बनाया है, वो भी दिल्ली में और फैक्ट्री में, और अंधेरा भी आ रहा है, अभी गर्मी भी बहुत तेज लग रहा था। हाफ पैंट पहने हुए हैं और गंजी पहने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी आप डिमांड जरूर कीजिएगा कि फिर कभी ब्लॉग बनाए। जय हिंद, गुड नाइट। तो गाइस फाइनली जो है कि खाना खा के अब्दुल भाई और जावेद भाई गांज फेंक दिए हैं, और इधर मतलब वो चौड़िया गए खा के खाना, इधर बेहोश हो गए, मतलब सोए हैं अभी फ़िलहाल लोग। हम भी सोचे कि हम भी बैठ के थोड़ा सा आप लोग से बता देते हैं ये सब बातें, हंसी वसी भी हो जाएगा। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, सुबह से लेकर शाम तक ये ब्लॉग जो कि फैक्ट्री का था। तो गाइस कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यूट्यूब के अकाउंट में, इंस्टाग्राम के लिंक के बाद मुझे फॉलो कीजिएगा, और दिखाते हैं आपको बाहर का कैसा नज़ारा है।